हेलो एवरी वन माई इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माई चैनल वेल वेलगाइज टुडे आई एम गोइंग टू गो फॉर अ वोकैबलरी टेस्ट होता क्या है बेसिकली जैसे आपने बहुत सारे वकैब्स याद कर लिए हैं अब आपने कैसे याद किया है वो आप स्टोरी के तरीके से आप याद कर सकते हैं मैं जब वर्ड्स याद करता हूँ तो मैं एक वर्ड लेता हूँ देखता हूँ कि वो वर्ब है नाउन है एडजेक्टिव है, है क्या है और उस हिसाब से मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ चल चल के टहल टहल कर स्टोरी क्रिएट करते करते उसको मैं रोज़ इस्तेमाल करना है एक दिन में अगर मैं उसे दस बार बीस बार यूज़ करता हूँ तो वर्ड मुझे याद हो जाता है दिस इज़ माई टेक्निक अब जैसे मैंने फिफ्टीन वर्ड्स याद कर लिए है और मैंने सबका सिचुएशन सेट कर लिया है ये अब जब वो सिचुएशन आएगा तो मेरे मुंह से वही वर्ड निकलेगा ही निकलेगा मैंने उसको एक जगह दे दी है अपनी डिक्शनरी में अब मैं उसको टेस्ट कर रहा हूं तो टेस्ट हम कैसे करेंगे आप अपने किसी पार्टनर को बोलेंगे कि आप पहले वर्ड्स को लिखिए वो पीस ऑफ पेपर पार्टनर को दीजिए और वो आपसे वर्ड पूछेगा आप उसकी मीनिंग को बताइए और एक चाहे तो दो चार एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं तो वही मैं करने जा रहा हूं फाइन okay? तो yes, मतलब होता है गलत फैमी मान लीजिए आपको गलत फैमी है आपको गलत फैमी है कि आप ही सबसे ज्यादा सुंदर है तो मैं कह सकता हूं कि इट इज योर डिल्यूजन दैट यू आर यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी इट इज योर डिल्यूजन ये आपकी गलत फैमी है कि आप सबसे ज्यादा पावरफुल हो इट इज योर डिल्यूजन दैट यू आर यू आर द पावरफुल पर्सन सो डिल्यूजन का मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि आप हो जबकि ऐसा है नहीं आप हो नहीं बट आपको ऐसा लगता है ये आपकी एक डिल्यूजन है आप एक गलत फहमी में जी रहे हो दिस इज योर डिल्यूजन किसी का डिल्यूजन है कि अरे मैं सबसे बेस्ट इंग्लिश जानता हूँ तो हो सकता है उसका डिल्यूजन हो उसकी गलत फहमी हो तो आप कह सकते हैं इट इज माई डिल्यूजन इट इज हिज डिल्यूजन इट इज हर डिल्यूजन अगला आउटरेजियस 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 एक एडजेक्टिव है आउटरेजियस जब हम लगाते हैं तो उसके साथ हम कुछ लगाएंगे जैसे आउटरेजियस कॉमेंट आउटरेजियस स्टेटमेंट आउटरेजियस एक्टिविटी आउटरेजियस का मतलब है कि कुछ इतना बुरा कि बिल्कुल आपको गुस्सा आ जाए अगर आपको किसी ने कॉमेंट भेजा है और वो इतना गंदा कॉमेंट है कि आपको एकदम गुस्सा दिला दे पागल कर दे आपको तो आप कह सकते हैं कि ओ इट इज़ एन आउटरेजियस कॉमेंट कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो बिल्कुल बहुत ही खराब है इतना खराब है कि आपको गुस्सा आ जाए तो आप कहेंगे कि वो आउटरेजियस एक्टिविटी आउटरेजियस स्टेटमेंट किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया हो या किसी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया हो जो अच्छा नहीं है बहुत ही बेकार है तो आउटरेजियस हम उसको बोलेंगे तो दिस इज आउटरेजियस अगला अगलाई विलीफाई एक वर्ब होता है दोस्तों विलीफाई का मतलब होता है कि आप किसी की किसी के बारे में मतलब शिकायत करते बदनाम करने की कोशिश उसे करते या तो आप लिख करके बदनाम करते हैं या बोल करके मतलब कि अगर आपने किसी को कमेंट के अंदर लिख दिया या न्यूज़पेपर में उसके बारे में कुछ ऐसी गलत चीज़ें छप गई हैं या आप किसी को कह रहे हैं कि वो तो बहुत ही ख़राब है उसने वैसा कर दिया वैसा कर दिया इट मीस यू आर विलीफाइंग दैट पर्सन आप उसको बदनाम कर रहे हैं उसकी निंदा कर रहे हैं आप उसको बदनाम कर रहे हैं Willify, willify कहां से आया? विलन 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 होता होता है, कैसा होता है? कैसा मतलब जो गुंडा होता है तो गुंडा क्या करेगा आपके लिए अच्छा तो सोचेगा नहीं तो जो आपको हर जगह करता होगा हर जगह बोलेगा उसने ऐसा कर दिया वो तो पागल है वो ऐसा कर रहा है इट मीनस ही प्लेस विलीफाई का मतलब है निंदा करना बुराई करना बदनाम करना सोलिट्री सोलिट्री एक एडजेक्टिव है सोलिट्री का मतलब होता है अकेला अब हम इस्तेमाल कैसे करेंगे सॉलिटरी का जैसे कि मैं बोलूँ कि किसी को यू नो एकदम सॉलिट्री लाइफ पसंद है मैं बोलूँ कि यू नो ही लाइक्स ही लाइक्स द सोलिट्री लाइफ तो सोलिट्री लाइफ का मतलब है कि उसे अकेला रहने अकेला रहने वाला जो जीवन होता है वो उसे पसंद है मतलब बिल्कुल अनसोशल कह लीजिए समझ रहे सोलिट्री अन बिल्कुल बंदा सोशल नहीं हो अकेला वो रहना चाहता हो तो सोलेटरी लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं कि यू नो ही ऑलवेज लाइक्स अ लाइफ स्टाइल उसको सोलटरी लाइफ स्टाइल पसंद है सोलेटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है किसी ने आपको कैद कर लिया हो और आप अकेले उस कैद में है तो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं तो सोलिटरी मतलब अकेला अब सोलिटरी के आगे आपको चीज़ें लगानी है सोलेटरी लाइफ है सोलेटरी uh, उसका एक स्टाइल है या ही वांट्स टू बी सोलिट्री वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है तो दैट इज सोलिट्री ओके आगे आगे कैंटन केरस कैंटन केरस कैंटन केरस एक एडजेक्टिव है कैंटन केरस का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुरंत गुस्से में आ जाता है चिड़चिड़ा स्वभाव का कोई है बिल्कुल पिनक जाएगा वो दो तो सेकेंड में पिनक जाएगा हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहेगा ये क्या कर रहे हो ऐसे थोड़ी होता है पागल गए तुम तो लोग ये मतलब द पर्सन इज कैंटन केरस कैंटर केरस का मतलब है झगड़ालू, उसको आप क्वारल्सम कह सकते हैं आप उसको पग्नेशियस भी कह सकते हैं कैंटन केरस अगला वर्ड वर्चुओसो वर्चुओसो अब वर्चुओसो क्या होता है वर्चुओसो एक नाउन है वर्चुओसो का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट है एक्सपर्ट है मतलब कि बहुत ही एकदम मास्टरी हासिल कर लिया उसने हम कह सकते हैं कि ही इज अ वर्चुओसो नाउन है यानी कि हमने उस व्यक्ति को ही वर्चुओसो बना दिया कि ये बंदा भैया मास्टर बंदा है वो तो भैया मास्टर है इस काम में माहिर है ही इज अ वर्चुओसो इन दिस फील्ड म्यूजिक में वर्चुओसो है डांस में वर्चुओसो है वो कंप्यूटर में वर्चुओसो है इसको आप वर्चुओसो को आप विज भी कह सकते हैं ही इज विज एट सिंगिंग ही इज़ विज एट डांसिंग या इसको आप अडैप्ट भी कह सकते हैं ए डी ई पी टी ही इज अडेप्ट इन समथिंग तो कोई बंदा बहुत ही एक्सपर्ट हो ना एकदम डेक्स्ट्रस हो बहुत सारे वर्ड्स हैं तो वर्चुअसो एक टोटल नाउन है यू आर अ वर्चुअसो आई वॉन्ट टू बी अ वर्चुअसो इन एक्टिंग फील्ड जो भी है आप कह सकते अगला वर्ड सरवाइल 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 बड़ा प्यारा वर्ड है सरवाइल का मतलब है सरवाइल एक एडजेक्टिव है इसका मतलब है कि हिंदी में कहते हैं ना चापलूस कोई ऐसा बंदा है जो मतलब आपकी झूठी तारीफ कर रहा है आपको आपको बोलेगा वाह वाह सर आपके जैसा कोई नहीं सर गजब है सर हाँ सर बिल्कुल वहाँ जाना है सर बिल्कुल जाऊँगा सर बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा वो एकदम विनम्र हो जाएगा आपके आगे कि आपको पता चलने लगेगा कि नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है ये बंदा सर्वाइल है तो सर्वाइल का मतलब एकदम चापलूस जो बिल्कुल क्या बोलूँ कि एकदम तेल लगाने वाला मक्खन लगाने वाला बटर लगाने वाला जो बंदा है वो उसको आप सर्वाइल कह सकते हैं कि ही आई कैन फील हीज सर्वाइल बिहेवियर

ग्रेट डेंजर खतरा बहुत ज्यादा अगर खतरा है मान लीजिए कि आपकी लाइफ जो है वो खतरे में तो कह सकते हैं कि हिज लाइफ इज इन पेरिल उसका जो जीवन है वो खतरे में है पेरिल में है तो पेरिल इन हिज लाइफ ओके यू विल गेट इन टू दिस पेरिल तुम इस खतरे में पड़ जाओगे मतलब पेरिल का मतलब डेंजर से ज्यादा को ज्यादा ही खतरनाक और पेरिल से ही जो वो एक फ्रेज बना हुआ है जो एडम बना है कि एटेरोन पेरिल करना है तो अपने दम पे करो अपने रिस्क पर करो दम भी नहीं अपने रिस्क पर करो मुझे नहीं पता भाई डू इट एट योर ओन पेरिल अपने पेरिल पे करना है तो करो खतरा खुद मोल लो मैं कुछ नहीं जानता तो पेरिल का मतलब है खतरा हिज लाइफ इज इन पेरिल योर जॉब इज इन पेरिल तुम्हारी जो नौकरी है वो खतरे में है अगला ऑगस्ट ऑगस्ट देखिए ऑगस्ट स्पेलिंग सेम है अगस्त वाला महीने वाला ही स्पेलिंग है ऑगस्ट का लेकिन ऑगस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सनालिटी बहुत ही इम्प्रेसिव है रिस्पेक्टेड कोई बंदा है उसको हम ऑगस्ट कहते हैं ये कोई बंदा ही नहीं हो सकता है इंसान के साथ साथ कोई जगह भी हो सकता है मान लीजिए आप एक ऐसे जगह पे जाते हैं वो जगह बहुत ही रिस्पेक्टेड है बहुत ही इंप्रेसिव है तो आप कह सकते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू कम टू दिस ऑगस्ट प्लेस चूँकि ऑगस्ट एक एडजेक्टिव है तो हमें उस ऑगस्ट के बाद में कुछ लगाना पड़ेगा ऑगस्ट प्लेस ऑगस्ट पर्सन ऑगस्ट पर्सनैलिटी ऐसे करना पड़ेगा आई एम वेरी हैप्पी to be with this august pers person, या दिस august personality these august people august मतलब respected, impressive बहुत ही अच्छा मतलब कि कमाल है कोई ऐसी जगह है जो बहुत ही august है बड़ी इज्जत है उसकी मार्केट में तो हम उसको august कहते हैं this august हाउस हो सकता है कोई हाउस इतना इम्प्रेसिव और बहुत ज़्यादा पावरफुल हाउस हो तो ऑगस्ट हाउस ऑगस्ट प्लेस ऑगस्ट मैन अगला डिसेंट डिसेंट देखिए डिसेंट के कई मतलब होते हैं क्योंकि स्पेलिंग अलग अलग है एक तो डिसेंट आपको पता है कि बड़ा डिसेंट लड़का है बड़ा अच्छा लड़का है वो तो डिसेंट होता ही एक डिसेंट का मतलब होता है किसी में कोई असहमति है डिसेंट लेकिन ये जो मैं डिसेंट की बात कर रहा हूं इस डिसेंट का मतलब है कि ढलान ये डिसेंट मान लीजिए कि आपका करियर है अब अगर आपका करियर ढलान पर है आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे मैं कह सकता हूँ कि हिज करियर इज ऑन डिसेंट डिसेंट का मतलब है नीचे की तरफ अपने बच्चों को पढ़ाते समय कभी ये आपने नोटिस किया होगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सुना वही वो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बड़े से नीचे की तरफ होता है डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग का मतलब क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ तो अगर मैं बोलता हूं कि डिसेंट यानी कि ढलान हवाई जहाज है मैं बोलूं कि हवाई जहाज अब ढलान पर है द एरोप्लेन इज ऑन डिसेंट यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यू नो द पायलट सडनली मेड अ मेड अ डिसेंट तो मेड डिसेंट का मतलब कि अचानक उसने ढलान की तरफ कर दिया तो डिसेंट मतलब ढलान तो आप कैसे यूज करेंगे हिज करियर लगा सकते कोई कोई भी चीज जो ऊपर है अगर वो नीचे की तरफ है तो कह सकते कि फलाना जो चीज है वो डिसेंट पर है तो या तो हवाई जहाज डिसेंट पर है किसी का करियर डिसेंट पर है किसी का जो अच्छा खासा वैल्यू पर्सनालिटी है वो भी अब उतार पे है तो डिसेंट पर है ये होता है डिसेंट अगला अगलाट रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही चमकीला हो अब चमकीला इन द सेंस वाकई अगर कुछ बिल्कुल चमक रहा हो तो भी कह सकते हो वॉट अर रेस्प्लेंडेंट थिंग देयर लेकिन अगर आपके सामने कोई इतना बेहतरीन ड्रेस पहनकर आ जाए एकदम चमक रहा है बंदा या बंदी जो भी है बंदी तो आप कह सकते हैं रेस्प्लेंडेंट कि वाह यार शी इज लुकिंग रेस्प्लेंडेंट वो कमाल की लग रही है रेस्प्लेंडेंट मतलब क्या चमक आ रही है उसकी पर्सनैलिटी से क्या वो बंदा चमक रहा है ये भी रेस्प्लेंडेंट है रेस्प्लेंडेंट वो भी अगर कोई बहुत तेज है कैसे हम कहते हैं कि यार उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है वो बंदा बहुत ब्राइट है तो ब्राइट है मतलब क्या ऐसा चमक रहा है थोड़ी ब्राइट का मतलब कि बहुत अच्छा है तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि नो हिज फ्यूचर इज रेस्प्लेंडेंट अगर कोई चीज है कोई चमकदार चीज है वाकई कुछ चमक रहा हो तो तो रेस्प्लेंडेंट वो है ही अब कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज रेस्प्लेंडेड आई वेंट ये इट वॉज अराउंड टेन ओ क्लॉक एट नाइट देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड आई सॉ समथिंग रेस्पलेंडेंट आउट ऑफ माई विंडो तो वो भी हो सकता है कुछ चमकीला मैंने देखा और दैट पर्सन वॉज लुकिंग रेस्प्लेंडेंट वो एकदम चमकदार दिख रहा था उसकी पर्सनैलिटी रेस्प्लेंडेंट थी एकदम ब्राइट थी ये होता है रेस्प्लेंडेंट अगला जी रिपील 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 का मतलब क्या रिपील एक वर्ब है तो रिपील का मतलब है कि अगर कोई कानून है खासकर ये लॉ वगैरह के लिए आता है अगर कोई कानून है और उस कानून को अगर वापस ले ले सरकार उसका खंडन कर दे तो हम कहते हैं रिपील कि दिस लॉ हैज़ बीन रिपील्ड इस लॉ को वापस ले लिया गया है अब मैं किसी पर्टिकुलर लॉ का यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा कोई भी लॉ है आपको लगता है कि ये जो कानून है जो कानून पास हुआ है ये भैया सरकार वा, को वापस ले लेना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि दिस लॉ शुड बी रिपील्ड या दिस लॉ लॉ सॉरी लॉ हैज़ बिन रिपील्ड इस लॉ को रिपील कर दिया गया है द गवर्नमेंट हैज़ रिपील्ड द डेस्टेस्ट लॉ

तो पिक्यूलर का मतलब है कि अलग हट के थोड़ा अजीब सा अगला Absolve. Absolve. Absolve एक वर्ब है एब्जॉल्व का मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर कोई मान लीजिए कोई इल्जाम लगा है और आप कोई उस इल्जाम को अगर हटा दिया जाता है मतलब आपको दोष मुक्त कर दिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि लाइक ऑल द बीन है जितने भी आरोप आप पर लगे हुए थे तो उसको एब्जॉल्व कर दिया गया है यानी कि उसको हटा दिया गया यानी कि दोष मुक्त कर देना वो एब्जॉल्व होता है दिस मैन हैज़ बिन एब्जोल्व ऑफ ऑल द एलिगेशन इस आदमी को सारे एलिगेशन से मुक्त कर दिया गया है सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस तो इसी तरीके से आप भी अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसको अपना लीजिए अब ये जो जितने वोकैब्स हैं ये अब मैं बिल्कुल उसी सिचुएशन पे यूज करूँगा और मैं करता आ रहा हूँ तो आप भी अपनी डिक्शनरी खुद बनाइए वर्ड्स को देखिए कितने अच्छे वर्ड्स हैं और उसको जगह दीजिए गायज नहीं तो आप वर्ड्स याद करेंगे कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे वेल थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी सी यू इन अनदर एपिसोड टेक केयर की प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन थैंक यू गैज